दास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे बुरी आदतों को सुधारना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तपस्या एक भजन है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है भक्तों, हवा से भी तेज चलने वाला मन जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा ही नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, उसे बांधते रहो, फिर किसी दिन उसे बांधना नहीं वहीं खड़ा कर देना तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंदे हैं। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया मार ले बस हो गया। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो भजन तो एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को करना चाहिए। भजन हर आदमी को ही करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, जितना वक्त मिल जाए जितना समय मिल जाए भगवान के नाम के लिए वही बहुत है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है जो भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया। एक बात और हम आपको जल्दी जल्दी बताएं, फिर आगे कथा में देखें। हर आदमी के ऊपर कृपा कितनी होती है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा बताई गई है चार, चार कृपा। कौन सी चार? सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया। एक सोचने वाली बात है, अगर मनुष्य न बनाते कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहां होते है? अरे होते कहां, कहीं भट्टा पे लगे होते ही रेड़ वो तो जा चिल्ला दे थोड़ी। ये भगवान की बड़ा कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया। और दूसरी कृपा होती है माँ और बाप की, माता और पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म दे के पाल दिया। एक सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहां होते। ये बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म दे के पाल दिया। एक दिन एक लड़का अपनी मां से लड़ने लगा, और जब मां से लड़ने लगा तो मां के मुंह से एक बात निकली गई, हमने तो जासे 9 महीना पेट रखो तू हमसे लड़ी है। मां बोली, हमने तो जासे 9 महीना पेट रखो तू हमसे लड़ी है। तो लड़का बोलो तो तूने कौन सा बड़ो काम करो, ज्यादा करे 9 महीनों किराव ले ले और खा है। तो दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, और तीसरी कृपा बताई गई है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई और बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी, वो चौथी कृपा किन की है? बोले वो चौथी कृपा है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी भर रहे हो, ज्वारी भर रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो, अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उसे जिंदगी में कभी सुख ही नहीं मिला। पूरे जीवन में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का सिर्फ एक बार मौका मिलता है, मिलता सबको, चाहे उसे रखो या भगाओ, सबके पास आता है, वो भी एक बार जवानी में। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उसे कभी कष्ट नहीं मिला, और जो जवानी में ही बिगड़ गया
उसे कभी सुख नहीं मिला। फिर क्या करोगे, जब जवानी में पार्टन लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे बुढ़ापे में क्या करोगे। ये कभी कहता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी पकाए ये थे मरे के बड़े भैया तो चले गए भजन करने, अब बचे हैं उत्तान पाद तो राजा बने। लेकिन ये राजा तो बने महाराज, लेकिन ये दुखी बहुत, राजा भी थे लेकिन ये परेशान बहुत थे। वैसे ये सोचने वाली बात है कि राजा तो राजा ही होता, उसे तो कोई नहीं सकता कि वो राजा ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी, यानी आज तक दुनिया में सुखी कोई नहीं मिला, और ना किसी ने यह कहा कि हम बिल्कुल सुखी, हमें कोई कष्ट है ही नहीं। तुम किसी से अपनी परेशानी का, भैया हम बड़ा दुखी हैं, तुम अपनी परेशानी बता नहीं पाओगे, उससे पहले वो हजारों परेशानी गिनवा देगा, भैया हम क्या करें, हम तुमसे बड़े दुखी है। यानी दुखी सब है, सुखी कोई किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो आराम से बैठ के रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम, उसका टाइम कट ही नहीं रहा है वो इसलिए परेशान। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो लड़का से ही दुखी है। किसी के पास पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास इतना पैसा है वो पैसा से ही दुखी है। कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कोई कोई मन में ये सोचते हैं कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग